अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरी सब्सक्राइबर। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हम आए हैं बाग में। शाम का टाइम है और शाम का टाइम असर का टाइम है तकरीबन। तो मैंने कहा हम आपको बाग का व्यू दिखाते हैं। ये मेरी सिस्टर है, ये भी साथ आई है, या वो अपना फेस छुपा रही थी। माल्टे देखें कितने प्यारे लगे हुए हैं। और इधर पहले वो लगे हुआ था, साग लगा हुआ था, उन्होंने साग काट लिया है, तो भी माल्टे ही रह गए हैं। हमने कहा आप लोगों को ना सीज़न के माल्टे जाके दिखाते हैं। ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं माल्टे। और हमने यहाँ से माल्टे तोड़े, काफ़ी ज़्यादा गट्टू भर लिए माल्टों के। और ये देखें, ये मेरी बहन है, ये माल्टा तोड़ रही है। और ये इसकी दोस्त है, ये हमारे घर आई थी, मेरी बहन की दोस्त। हमने कहा कि चलो इसको ना थोड़ा ले जाते हैं भाभी लोगों के डेरे पे और एंजॉय करवाते हैं। इन्होंने तो माल्टे तोड़ तोड़ के नीचे भी फेंके और खाए भी। वैसे ज़ाया नहीं करने चाहिए माल्टे, क्योंकि ये इन्हें अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है। ये देखें यहाँ पर पानी लगा हुआ था और काफ़ी ज़्यादा कीचड़ ही कीचड़ था। फिर ये एक छोटा सा रास्ता सा इधर से गुजर कर मैंने कहा आगे चलते हैं और आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। मैंने तो चप्पल डाली हुई थी, इन लोगों के दूसरे जूते थे। मैंने कहा देखना भी इनके ख़राब हो जाएंगे, तो कहती नहीं हमारे नहीं होते, हम भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। ये देखिए कितने प्यारे वो सरसों के फूल जो हैं, सरसों के साग के जो फूल होते हैं वो हैं। ये सिट्टे हैं, जिसको छली भी कहते हैं, हम लोग तो छली कहते हैं, पता नहीं लोग क्या भुट्टा सट्टा क्या क्या कहते हैं। और इधर से ये देखें, ये कितनी प्यारी लग रही हैं छलियाँ। मैंने कहा ये एक ना हम छली तोड़ लेते हैं, शायद इसमें बीज बना हुआ और फिर खा लेंगे। एक छली हमने तोड़ ली थी और देखा तो इसके अंदर बीज ही नहीं था। जब इसको तोड़ने के बाद देखा गया तो इसके अंदर बीज ही नहीं था, मतलब कि अभी तक पकी नहीं थी, तैयार नहीं थी। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि हमने ऐसे ही इसको तोड़ लिया। अब ये देखे साग, सरसों के वही फूल और साग कितने मज़े का लग रहे हैं। इसमें से अभी भी साग तोड़ के बनाया जा सकता है और खाया जा सकता है, अभी भी है इसके अंदर ना, ख़त्म नहीं हुआ साग। तो ये देखिए पानी लगा हुआ है हर तरफ ही, और कोई रास्ता नहीं जाने का सिवाय इस छोटे से रास्ते से। तो मैंने कहा चलो मेहनत मुशक्कत करते हैं और आगे जाके आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए पानी लगा हुआ है खेतों को, उन्होंने अपने खेतों को पानी लगाया हुआ है। ये वही खड़ी हुई हैं और हम मुझे कह रही हैं हमारी वीडियो बनाओ, और फिर कह रही हैं हम सामने आ जाएंगी तो ये वो हाय 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 ना बनाओ। मैंने कहा चलो थोड़ी सी तो बनाने दो। आप देखें ये पानी है, उधर उधर भी बाग है, इधर भी बाग है, दरमियान में ये थोड़ी सारी जगह थी जहाँ से हमने कहा कि चलो हम गुजर के आगे जाते हैं। मैंने कहा आगे चलती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ आगे क्या क्या लगा हुआ है। आगे भी यही साग छोटा मोटा, फिर उन्होंने काट लिया है। ये देखें ये लीमू के पौधे थे, कितने मज़े के लग रहे हैं लीमू। कुछ लीमू कच्चे हैं, ये देखें ये लीमू कच्चे हैं, तो अभी तोड़ने के काबिल नहीं है, इनको नहीं तोड़ सकते। पिछली दफ़ा हमने तोड़ लिया था, लेकिन नहीं तोड़ना चाहिए कच्ची चीज़ों को ना, इनको पकने के लिए छोड़ दें। ये देखें ये पका हुआ लेमन नीचे गिरा हुआ था, देखें कितना प्यारा लग रहा है लेमन ना, मुझे तो बहुत पसंद आया है, आप लोगों को आया ये नहीं। तो ये देखें ये वही लेमन का पौधा, और पानी लेमन तक पहुँचने वाला था ताकि लेमन को भी पानी मिले और लेमन जल्दी जल्दी लेमन पक जाएँ और पक के तैयार हो जाएँ। ये भी तकरीबन पकने ही वाला था, तैयार होने वाला था। इधर एक और पौधा भी था, वो भी आपको दिखाते हैं। इधर तो है माल्टे, फिर से माल्टे स्टार्ट हो गए। इधर माल्टों के बाग को पानी नहीं लगा हुआ है ना। ये है लेमन, फिर एक लेमन है, देखिए लेमन इस पे भी लगे हुए हैं। कुछ कच्चे हैं, कुछ पक रहे हैं, कुछ पकने को तैयार हैं। इधर से देखें वो दूसरी तरफ पानी लगा हुआ है, और इस साइड पर नहीं है पानी ना। तो माल्टे देखिए, माल्टे ही माल्टे हैं, माल्टों का सीज़न है। सरगोधा में माल्टे ना हो तो और क्या हो, ऐसी ही बात है। ये देखें ये माल्टे तोड़ रही हैं, चोरी के हैं, ये कोई बाग शाग अपना नहीं है, हम ऐसे ही घूमने फिरने आए हुए हैं भाभी लोगों के बागों में। तो ये हमारे अपने नहीं हैं, आप लोग समझ रहे होंगे कि अपने बाग हैं, अपने नहीं हैं, हम लोग तो चोरी तोड़ रहे हैं माल्टे। वैसे ना मैं आप लोग को एक बात बताऊं, माल्टे जो चोरी तोड़ के खाने का मज़ा है ना, वो एक अलग ही मज़ा है। माल्टों का एक अलग सा ही टेस्ट है, जो कि चोरी तोड़ कर खाने का है। तो हमने माल्टे यहाँ से चोरी तोड़ लिए, जो जो हमें पसंद आए हमने काम तोड़ लेते हैं, कोई मसला नहीं है। किसी ने क्या करना, इतने भरे हुए बाग हैं, इसमें से दो तीन माल्टे हमने तोड़ भी लिए तो कोई मसला नहीं है। वो दूसरे जो बाग है ना, वो तो उनका अपना है ना, उसमें से तो हम तोड़ सकते हैं। तो ये देखें कोई माल्टा इनको पसंद आया, तो ये माल्टा इन्होंने कैसे तोड़ा है। ऐसे ही है ना, जो चीज़ पसंद आ जाए उसको तोड़ लेना चाहिए। तो ये तो फिर माल्टे हैं, हमने तोड़ लिए जो जो हमें पसंद आए थे। मुझे भी दो चार पसंद आए थे, मैंने भी तोड़ लिए थे, तोड़कर अपने बेटे को दिए थे।
मेरा बेटा बहुत शैतान है, जब भी ऐसी जगहों पे आता है ना तो बहुत ही इंजॉय करता है। ये लोग भी बहुत इंजॉय कर रही हैं, इनकी अभी लाइफ है इंजॉय करने की, करती रहे इंजॉय। ये देखिए माल्टे इधर थोड़े कम लगे हुए हैं इस दरख्त पे ना, वो पीछे वाले दरख्त पे बहुत ज़्यादा थे। सो ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, ये लेमन का वही पौधा गिरा पड़ा है बेचारा, इसको कोई उठाने वाला नहीं है। मैंने तो कहा उठा देते हैं लेकिन मेरे से उठाया नहीं जा रहा था, फिर मैंने कहा चलो पड़े रहो इधर ही गिरे, और फल लगाते रहो, लोगों को देते रहो, लोग खाते रहें। और ये फिर बसे माल्टे 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 कितने प्यारे लग रहे हैं। इस दरख्त पे बहुत ज़्यादा माल्टे हैं, हम लोग तकरीबन दो दफ़ा आके तो वीडियो बना चुके हैं माल्टों की, ये शायद लास्ट दफ़ा हूँ, लेकिन कोशिश करेंगे कि एक दफ़ा फिर आएँ और वीडियो बनाएँ और आप लोगों को दिखाएँ माल्टों के बाग, जो कि हमारे ही हैं। समझ लें आप, समझने से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, जो समझ लें वही होता है। ये देखिए इकट्ठे लगे हुए हैं, जो जुड़े हुए माल्टे होते हैं ना एक जगह पर ज़्यादा सारे ढेरों ढेर, मुझे बहुत पसंद है। ये देखें आगे हमने कहा जी चलते हैं वापस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमें टाइम हो गया था, हम लोग यहाँ पे एंजॉय करने के लिए निकले हुए हैं। मैंने कहा खाना जाके खाते हैं, भाभी इंतज़ार कर रही होगी खाने पे, खाना बनाया था इधर ही। चलें जी वापस जा रहे हैं, बहुत ही पानी है, इतना ठंडा पानी है ना ये सच में। और आगे हम लोग जा रहे हैं, गेम नहीं करो, मेरा बेटा भी साथ साथ मुझे तंग कर रहा था, फिर उधर से रास्ता नहीं था, हमने कहा कि वापस चलते हैं वापस अपने उसी रास्ते से, उसी रास्ते से हम नहीं वापस जा सके, हमने कहा हम दूसरे रास्ते जाते हैं। आप लोग मेरी वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, और तब तक अल्लाह हाफिज़, हम जाके खाना खाते।